हेलो डियर फ्रेंड्स, तो राग बेस्ड सॉन्ग्स ऑन हारमोनिका की इस सीरीज में एक नए वीडियो के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज जिस राग के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं तो वो एक ऐसा राग है जिसके बारे में कि कहा जाता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में जितने भी हमारे फिल्म बेस्ड सॉन्ग्स हैं, सबसे ज़्यादा सॉन्ग्स जो हैं वो इसी राग में कंपोज किए गए हैं और लगभग हर एक म्यूज़िक डायरेक्टर ने इस राग में सॉन्ग्स जो हैं वो कंपोज किए हैं। तो काफ़ी हद तक आप समझ भी गए होंगे, तो मैं बात कर रहा हूँ राग पहाड़ी की। तो फ्रेंड्स, राग पहाड़ी के बारे में कुछ एक बातें आज जानेंगे। पहले भी इस राग के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे चुका हूं, जब मेरे इनिशियल वीडियोस थे जिसमें मैंने राग भोपाली के बारे में कुछ चर्चा की थी, तो उस समय थोड़ा सा हमने राग पहाड़ी के बारे में भी जाना था कि कैसा ये राग है। तो उसका रीज़न ये है कि राग पहाड़ी जो है ये भोपाली के साथ कुछ हद तक मिलता जुलता राग है। तो आज देखेंगे कि क्या इनमें मेजर डिफ्रेंसेज हैं, तो चलिए अभी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा फ्रेंड्स मैंने पहले कहा कि राग पहाड़ी राग भोपाली के साथ मिलता जुलता राग है, तो मिलता जुलता मेन जो उसका रीज़न है मिलने जुलने का वो ये है कि इस राग के आरोह में वही पांच स्वर लगेंगे जो कि भोपाली में थे। तो वो स्वर हैं सा रे गा पा धा और अगेन then we end it at सा of next octave। तो सा रे गा पा धा ये पांच स्वर जो है ये आरोह में लगेंगे। तो आरोह जो है वो भोपाली के साथ एकदम सेम है, बट अवरोह में एक मेजर डिफरेंस है। अवरोह में हम सभी सात स्वर जो हैं सा नी धा पा मा गा रे सा, तो वो सातों स्वर हम बजाते हुए अवरोह में वापस सा पे आ जाएंगे। तो ये एक मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस है पहाड़ी और भोपाली का। इसके अलावा क्योंकि ये जो राग है ये प्योर क्लासिकल राग नहीं है, जैसे भोपाली में क्लासिकल या शास्त्रीय गायन भी होता है, शास्त्रीय संगीत में हम भोपाली को बहुत आम उस राग को सुनते हैं, बट पहाड़ी जो है इसकी जो मतलब यूज है वो फोक में, ठुमरी में, दादरा में, तो इस प्रकार की जो हमारी गायकी की शैलियां हैं वहाँ पे होता है। तो प्योर क्लासिकल जैसे बड़ा ख्याल हो गया, छोटा ख्याल हो गया, तो उस तरह की गायकी में या इंस्ट्रूमेंटल में, वादन में आप लोग इसको कम ही सुनेंगे। ये राग अगर आप इसको ध्यान से सुने, जब ये बांसुरी पे बजता है तो आँखें बंद करके अगर आप सुनेंगे तो आपको बिल्कुल एक ऐसी फीलिंग आएगी कि जैसे आप पहाड़ों में घूम रहे हैं, सभी तरफ ग्रीनरी है, सुबह का माहौल है, बादल या धुंध जो है वो छाई हुई है। तो इसीलिए शायद इस राग का जो नाम है वो राग पहाड़ी पड़ा है। इस राग का जो थाट है वो थाट बिलावल है, क्योंकि इसमें सभी स्वर जो हैं वो शुद्ध लगेंगे। हालांकि भोपाली में आपने देखा होगा कि सारे गा पा धा सा, तो उसमें भी सभी स्वर शुद्ध थे, बट वो एक कल्याण थाट का राग था। बट ये जो राग है ये बिलावल थाट का राग है, और इसको मतलब भोपाली से अलग करने के लिए ही मतलब अवरोह में हम माँ स्वर जो है वो इंटेंशनली लगाते हैं, तो वहाँ से इसका थाट जो है वो डिफाइन होता है, क्योंकि जो कल्याण थाट है उसमें माँ तीव्र होता है। तो खैर, ये तो कुछ एक डिफरेंस हो गए हमारे भोपाली और पहाड़ी के बीच में। अभी कुछ और जानकारी देखते हैं। तो क्योंकि इसके आरोह में पांच स्वर लग रहे हैं तो इसकी जाति जो है ऑडव, और अवरोह में सात स्वर लग रहे हैं तो संपूर्ण, ऑडव संपूर्ण इसकी जाति है। बिलावल थाट का मैंने पहले बताया कि ये राग है, और इसको गाने का समय जो है वो है रात्रि का पहला पहर। हालांकि क्योंकि ये राग मतलब क्लासिकल में उपयोग नहीं होता, लाइट म्यूजिक में, फिल्मी गानों में इसका उपयोग होता है, तो इसलिए बहुत से रूल्स जो हैं इसके ऊपर लागू नहीं होते। तो खैर, वो तो चीज़ लाइट में जब हम कोई भी राग गाते हैं या बजाते हैं लाइट म्यूजिक में,
सभी जो रूल्स हैं उनको हम साइड में रख देते हैं। अगर वो रूल्स हम फॉलो करें तो फिर तो हर एक राग का एक गायन समा है, बट मूवी के सॉन्ग्स हैं तो वो ये तो है नहीं कि हमने रात्रि के दूसरे पैर में सुनने हैं या उसको रात्रि के पहले पैर में सुनना है, तो वो तो कभी भी हम सुन सकते हैं। तो ये राग जो है क्लासिकल में उपयोग नहीं होता है, फोक में जैसा कि मैंने पहले बताया काफ़ी हद तक उपयोग होता है, ये राग यूज होता है। और उसके अलावा ये एक मिश्र राग है। मिश्र राग मतलब इसमें हम अपनी तरफ से भी काफ़ी हद तक कारीगरी जो है वो कर सकते हैं। तो जैसे अवरोह में मैंने बताया कि सानी धापा मागा रेसा सभी शुद्ध स्वर लगेंगे, तो वहाँ पे आप नी कोमल जो है या गा कोमल जो है रे कोमल जो है ये स्वर भी हम एज विवादी स्वर कभी कभी हम इनको प्रयोग में ले आते हैं। तो अभी वादी संवादी अनुवादी विवादी क्या चीज़ है इतनी टेक्निकलिटी में मैं इस वीडियो में नहीं जाऊंगा, कभी समय लगा तो फिर ये एक वीडियो इसके ऊपर सेपरेट बनाएंगे। तो मतलब हमारी एक लिबर्टी है, इसमें बहुत से स्वर जो हैं वो हम यूज़ करते हैं। तो अभी जब हम सॉन्ग्स की नोटेशंस देखेंगे, सॉन्ग्स को बजा के देखेंगे कुछ सॉन्ग्स को, तब आपको पता चलेगा कि कैसे हम खूबसूरती बढ़ाने के लिए बहुत से स्वरों का जो कोमल स्वर हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो अभी कोई लिस्ट भी इसके अंतर्गत जितने गाने हैं उसकी लिस्ट भी देने का मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है, क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मैक्सिमम गाने जो हैं इसी राग में कंपोज किए गए हैं। तो अगर मैं 10 20 30 गाने यहाँ पे लिख भी दूंगा तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई बेनिफिट होगा। आप आसानी से इस चीज़ को सर्च कर सकते हैं, चुटकी में आपके सामने पूरी एक लंबी लिस्ट आ जाएगी इंटरनेट पे अगर आप सर्च करेंगे। हाँ, ज़रूर इतना है कि मैं कुछ एक सॉन्ग्स जो हैं तो वो ज़रूर आपको प्ले करके बताऊंगा। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं कि हारमोनिका के ऊपर कैसे प्ले करना है। जैसे मैं हर राग के बाद उसकी जान पहचान के बाद आपको बताता हूँ कि विद रेफरेंस टू हारमोनिका हमने उस राग को कैसे प्ले करना है। तो क्योंकि इसमें सभी स्वर जो हैं शुद्ध हैं तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपने किसी और स्वर से इसको स्टार्ट करना है। इसको आप सा स्वर से ही, मतलब जैसे सी स्केल का हारमोनिका है तो उसमें सी नोट को ही सा हम मान के इसको हम बजा सकते हैं। तो एक बार आरोह और अवरोह जो है वो भी देख लेते हैं इस राग की। आपने देखा कि क्योंकि सभी शुद्ध स्वर जो हैं इसमें हम यूज कर रहे हैं तो टंगिंग भी आप कर सकते हैं। मतलब इस राग के अंतर्गत जितने भी सॉन्ग्स हैं उनमें आप टंगिंग जो है उसकी गुंजाइश है वो कर सकते हैं। उसका रीजन क्योंकि ये जो कॉर्ड है इसमें सा गा पा तीनों शुद्ध स्वर जो हैं वो आ रहे हैं, तो आप आसानी से आराम से उन गानों में टंगिंग कर सकते हैं जो इस राग पे आधारित हैं। और एक और चीज़ आप देखेंगे कि जितने भी सॉन्ग्स इस राग के ऊपर आधारित हैं, कुछ सॉन्ग्स मैं प्ले भी अभी करूँगा, तो वो बजाने में मतलब सिंपल से ही सॉन्ग है, बहुत ज़्यादा कठिन या मुश्किल नहीं है वो सॉन्ग्स। तो ये भी एक खूबसूरती है कि आप उन सॉन्ग्स को आसानी से बजा सकते हैं। तो अभी कुछ सॉन्ग्स में सॉन्ग्स की धुनें जो हैं तो वो हारमोनिका के ऊपर थोड़े वक्फे के लिए प्ले करूँगा, थोड़ी थोड़ी धुनें जो मुखड़ा पार्ट हैं, और आपको सॉन्ग का नाम नहीं बताऊँगा या यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करूँगा, आपको वो गेस करना होगा कि कौन सा सॉन्ग जो है वो मैं प्ले कर रहा हूँ।
तो ये कुछ एक सॉन्ग्स मैंने कोशिश की प्ले करूं, हालांकि ये सॉन्ग्स मैंने पहले बजाए नहीं हुए तो बहुत सी गलतियां भी हुई होंगी, बट जैसा कि मैं अक्सर अपने राग बेस्ड सॉन्ग्स वाले जो वीडियोस हैं तो उनमें ये अक्सर माफ़ी आपसे मांगता हूं कि जो भी गाना मेरे दिमाग में आता है तो स्पॉन्टेनियसली मैं उसको बजा देता हूं, तो उसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं। तो मेन पर्पज़ मेरा जो होता है वो उस राग को डेमोन्स्ट्रेट करने का होता है। फ्रेंड्स, ये कुछ एक बातें थी राग पहाड़ी के बारे में, और एक ऐसा राग खास तौर पे जिसको अगर आप अच्छे से सिर्फ राग को ही तैयार कर लेंगे, अपने दिमाग में रख लेंगे, तो तैयारी की तो खैर मैं बात नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर हम किसी राग को तैयार करने की बात करें तो वो एक बहुत पेशेंस वाला और बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो उसको हम बिल्कुल जैसे वो राग होता है, जो जो उसके मतलब अंतर्गत रूल्स हैं, तो बिल्कुल उनको पकड़ के तैयार करना सिर्फ एक राग ही एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो हम तो सिर्फ एक इसकी सरफेस नॉलेज जो है वो ले सकते हैं कि क्या इसके अंदर स्वर लग रहे हैं, क्या इसका आरोह है अवरोह है। तो उसी चीज़ को ही अगर आप अच्छे से मास्टर कर लेंगे तो जितने भी इस राग के ऊपर आधारित गाने हैं, गीत हैं, सॉन्ग्स हैं, उनके ऊपर आपकी जो पकड़ है वो बन जाएगी। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और ऐसे ही और वीडियोस के साथ समय समय पे आप सभी के रूबरू होता रहूँगा। तो आज यहीं पे इस वीडियो को विराम लगाते हैं, जल्दी ही मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय फॉर नाउ।